चलो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं रीट मेंस के एग्जाम और सेकंड ग्रेड के विषय में। मैं रीट मेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेवल वन और लेवल टू की अपन जो बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस का अपन फॉर्मेट दर्शाते हैं आपके सामने। देखना कि सिलेबस एक क्राइटेरिया अपना फिक्स हो गया, बाकी ये नहीं है कि इसमें एक एक टॉपिक पे आगे 5-7 दिन मुश्किल से 15 अगस्त तक अपना इसका सिलेबस आ जाता है। अब बात करते हैं, देखो आपने जैसे बीएड में बीएसटीसी में बीएड और बीएसटीसी में जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। ये है सबसे पहले बीएसटीसी, ठीक है, लेवल वन वाली की अपन बात करते हैं। लेवल वन है और लेवल वन में जैसे अपने बीएड बीएसटीसी में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए शैक्षणिक परिदृश्य, एक स्कूल मैनेजमेंट हो गया, ये लेवल वन में इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षणिक परिदृश्य में, ये है 90 नंबर का। कितने नंबर का? 90 नंबर का। दूसरा आता है अपना शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान जो शिक्षण विधियां हैं ये आपके 40 नंबर की आएगी। और उसके बाद में है शैक्षणिक मनोविज्ञान आपके 20 नंबर की आ रही है। तो ये आपकी जो टॉपिक है ये वाला, ये एग्जैक्ट आपके लेवल वन में 150 नंबर का है और ये है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। अपने यहाँ इसके बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं और शैक्षणिक परिदृश्य, रीति विज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, इनकी क्लासें आपके यहाँ चल रही है। तो आप ये मान के चलिए 90, 40 और 20 150 नंबर का मैटर हो रहा है। और आपको जो सब्जेक्ट है लेवल वन की उनका तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। अब अपन इनके बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है, इनका नॉलेज आपको कम है तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा शैक्षणिक परिदृश्य और रीति विज्ञान और मनोविज्ञान। तो आपको यही सफलता दिलवाएंगे जो 150 नंबर का मैटर है। तो अपने यहाँ इसकी क्लासेस चल रही है। और सेकेंड लेवल टू की अपन बात करते हैं तो यहाँ 60 नंबर का मैटर था इसमें, और रीति विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ 20 नंबर का यहाँ। तो लेवल टू आपके 100 नंबर का है, अगर इनमें कंप्यूटर और जोड़े तो 10+10+ इधर हो जाएंगे। और ये क्लासे अपने यहाँ रेगुलर चल रही है जो आपको सफलता दिलवाएगी। आप किसी भी कहीं भी भ्रमित ना हो, क्योंकि YouTube वगैरह में भी इसका पूरा सिलेबस नहीं है और अपन ने यहाँ इसकी बुक है आपके पास, 5 तारीख तक इसकी बुक अवेलेबल हो जाएगी और बाकी सभी नोट्स अपन अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अपने यहाँ सेकंड ग्रेड के लिए बात करें, हिंदी के सर बहुत ही लाजवाब हैं, जयपुर से बुलाए गए हैं। और उसके अकॉर्डिंग SST की अपन बात करें तो SST की इकोनॉमिक्स की जो क्लासे हैं वो सोमवार से चालू हो जाएगी, फिलोसफी की जो क्लासे हैं वो चालू हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आपका नॉलेज है तो मैं चाहता हूँ पहली जो अदर सब्जेक्ट जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है वो सब्जेक्ट अपन पहले करवाएं, ठीक है। और उसमें जो अपना चलता है सबसे पहले सेकेंड ग्रेड SST के अकॉर्डिंग एक चलता है इकोनॉमिक्स, इसका नॉलेज आपको कम है। इकोनॉमिक्स के बाद में अपन फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी। तो ये दो क्लासे आपकी सोमवार से चालू हो जाएगी। फिर बस्तिया पड़ी एक पब्लिक गाइड और एक बस्तिया पड़ी सोशियोलॉजी। तो ये जो है ये आपके लिए मेजर रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके साथ हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये भी करवानी है, लेकिन पहले ये क्लास चालू करें, अपना कीमती समय घर पर बैठ कर बर्बाद ना करें। और संस्थान में एक बार मेरे कहने से 2 दिन का डेमो लेकर अवश्य देखें, आपको खुद को पता चल जाएगा। आप एक बार बस ये क्लासेस समझें कौन क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। थैंक यू, धन्यवाद।